हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कृषि फ्लाई पे। पेड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उन्हें फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो आपके पेड़ों की ग्रोथ स्लो होगी। फर्टिलाइजर की वजह से हमारे पेड़ स्ट्रांग एंड हेल्दी रहते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। मिट्टी के अंदर भी ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पर वो नॉन अवेलेबल फॉर्म में रहते हैं जो आपके पेड़ नहीं ले पाते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, मतलब हम डायरेक्ट गेहूं तो नहीं खाते हैं, इसलिए गेहूं हमारे लिए नॉन अवेलेबल फॉर्म है, हम उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। पर जब हम इस गेहूं को पीस कर इसके आटे की रोटी बनाते हैं तब हम इसे खा सकते हैं और हमें इससे एनर्जी मिलती है, मतलब अब हमने इस गेहूं को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी इन न्यूट्रिएंट्स को जमीन से डायरेक्ट नहीं ले पाते क्योंकि ये नॉन अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमें इन पौधों को बाहर से खाद देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आम के पेड़ लगाने से पहले हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आम के पेड़ लगाने के बाद आपको इन्हें कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, कितनी क्वांटिटी में देने हैं, कैसे देने हैं और कितने दिनों बाद देने हैं। दोस्तों, हमें 5 तरीके के फर्टिलाइज़र्स अपने मैंगो प्लांट्स को देने हैं। इन फर्टिलाइज़र्स की वजह से मेरे मैंगो प्लांट्स हेल्दी है और जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं। जितनी जल्दी आपके मैंगो प्लांट्स ग्रो करेंगे उतनी जल्दी आप आम ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट फर्टिलाइज़र की, जिसका नाम है NPK 19-19-19, और ये है वो फर्टिलाइज़र। दोस्तों, किसी भी फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये NPK क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे कि NPK क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। NPK एक फर्टिलाइज़र है जिसमें N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम होता है। इसमें नाइट्रोजन 19%, फॉस्फोरस 19% और पोटेशियम 19% होता है। इसके अलावा इसमें और दूसरे पदार्थ भी होते हैं। ये पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से पौधे 90% फर्टिलाइज़र ले लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र ड्रिप से दिया जा सकता है या फिर फसल पर स्प्रे भी किया जा सकता है। इस फर्टिलाइज़र को किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत सस्ता भी होता है, 1 kg 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि NPK फर्टिलाइज़र के क्या फ़ायदे हैं। ये फसल की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करता है, इसकी वजह से फसल में जल्दी फूल और फल आते हैं। नाइट्रोजन की वजह से पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती है, वो हरे भरे रहते हैं, शुरुआती दौर में अच्छी ग्रोथ होती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है और ज़्यादा फूल आने में मदद करता है। अगर आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं इसका मतलब है कि उनमें नाइट्रोजन की कमी है। फॉस्फोरस की वजह से पेड़ों के जड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है, इसकी वजह से जड़ें आसानी से मिट्टी से खाद ले सकते हैं, इसकी वजह से फल और फूल ज़्यादा आते हैं, पेड़ के तनों की अच्छी ग्रोथ होती है। पोटेशियम पेड़ों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है, जड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है, पेड़ों को ताकतवर बनाता है जिससे पेड़ गिरते नहीं है, फलों को आकार रंग देता है और उसका स्वाद भी बढ़ाता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एक पेड़ के लिए हमें कितने ग्राम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। एक पेड़ के लिए हमें 2 ग्राम NPK फर्टिलाइज़र चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर हम 1000 पेड़ लगा रहे हैं तो एक पेड़ के लिए 2 ग्राम NPK फर्टिलाइज़र, इसका मतलब
हजार पेड़ों के लिए 1000 × 2 ग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम, मतलब 2 kg एनपीके फर्टिलाइजर। इसका मतलब ये है कि 1000 पेड़ों के लिए हमें 2 kg फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप जितने पेड़ लगा रहे हैं उस हिसाब से आप खाद का प्रयोग कीजिए। मैंने मेरे एक वीडियो में फर्स्ट लेवल ऑफ कटिंग दिखाई थी। ये कटिंग मैंने 1.5 मंथ के बाद ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। कटिंग करने के एक दिन बाद आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। स्प्रे करने के 2 दिन बाद आपको एनपीके फर्टिलाइजर देना है ड्रिप से। मतलब हमें पेड़ को फर्टिलाइजर देने की शुरुआत पेड़ की फर्स्ट कटिंग होने के बाद करनी है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एनपीके फर्टिलाइजर हम अपने मैंगो ट्रीज को ड्रिप से कैसे देंगे। फर्टिलाइजर देने से पहले आपको अपने मैंगो प्लांट्स को कम से कम आधा घंटा पानी देना ज़रूरी है। इसकी वजह से पेड़ों के जड़ों की मिट्टी गीली हो जाएगी और उसमें नमी आ जाएगी। ज़मीन गीली होने की वजह से पेड़ों की जड़ें फर्टिलाइजर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। आधे घंटे बाद आप ड्रिप से फर्टिलाइजर देना शुरू कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने 200 लीटर ड्रम को पानी से भर दिया है। आप एक ड्रम में 1 kg या ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg फर्टिलाइजर पानी के साथ मिक्स कीजिए। जितने आपके पेड़ हैं उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं एनपीके फर्टिलाइजर पानी में डाल रहा हूँ। अब इससे लकड़ी की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप किसी भी ब्रांड का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिप से ये सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे हमारे ड्रम का सोल्यूशन कम हो रहा है। ड्रिप से फर्टिलाइजर देने के बाद आप अपने पेड़ों को 2 से 3 घंटे अच्छे से पानी दीजिए। इससे पेड़ों के नीचे की ज़मीन अच्छे से गीली हो जाएगी और फर्टिलाइज़र भी पेड़ों की जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाएगा। कोशिश करें कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र सुबह शाम या रात को ही दें। जब ज़्यादा धूप रहती है तब पेड़ों को फर्टिलाइज़र मत दें वरना पेड़ों को शॉक लगता है। जैसे जैसे हमारे पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे हमें फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी भी बढ़ानी है। इसके बारे में मैं मेरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। एनपीके फर्टिलाइजर देने के 12 दिन बाद हमें दूसरा फर्टिलाइजर देना है। उस फर्टिलाइजर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।